हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं होस्ट रमन आपका अगेन वेलकम बैक टू अवारा। और दोस्तों, मैंने पहले आपको एक वीडियो बना के दी थी अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड के ऊपर, आप अपने एटीएम कार्ड से कैसे एयरपोर्ट के ऊपर लाउंज एक्सेस ले सकते हो। लाउंज एक्सेस एक ऐसी सर्विस होती है कि अगर आप एयरपोर्ट पे हो तो आप वहाँ पर कुछ टाइम बिता सकते हो, वहाँ पर कुछ खा सकते हो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। मतलब प्रॉपर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता, बट ये आपके एटीएम के ऊपर एक आपको फैसिलिटी दी जाती है कि आपके एटीएम से कुछ अमाउंट कटेगा, लाइक 2 रुपये कटता है, मेरे केस में 2 रुपये कटा था, जो कि आपको 2 रुपये आपके डेबिट कार्ड से वेरिफिकेशन के लिए डेबिट किए जाते हैं। उसके बाद आप अपने वहाँ से कोई भी खाना फ्री में खा सकते हो, बकायदा आप वहाँ पर बैठ के कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हो जब तक आपकी फ्लाइट बोर्ड नहीं हो जाती। ठीक है, अब बात आती है कुछ क्वेश्चंस की। जो लास्ट वीडियो बनाई थी, बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा, सर ये कार्ड का बता दो, वो कार्ड का बता दो, कि इसमें लाउंज एक्सेस है कि नहीं है, यहाँ पर एयरपोर्ट पे ये फैसिलिटी है कि नहीं है, इस कार्ड के ऊपर ये एयरपोर्ट वाली फैसिलिटी है कि नहीं है। बट मैं दोस्तों आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, कार्ड बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे बैंकों के डिफर डिफरेंट कार्ड होते हैं, तो ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं होती कि मैं सभी कार्ड्स की डिटेल आपको दे पाऊँ। बट ऐसा मैं कर सकता हूँ कि मैं आप मेरे पास एक्सिस का कार्ड है, आप देख सकते हो मेरे पास एक्सिस का डेबिट कार्ड है और एक्सिस का ही क्रेडिट कार्ड है, और दोनों कार्ड के ऊपर जितनी भी मतलब की जो लाउंज एक्सेस है एयरपोर्ट की, उसकी मैंने सारी डिटेल में आपको डॉक्यूमेंट जो भी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे इन्होंने दे रखा है कि कितने से कितने देर तक आप लाउंज एक्सेस ले सकते हो एक्सिस के सभी क्रेडिट कार्ड के ऊपर और एक्सिस के डेबिट कार्ड के ऊपर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये बैंक की वेबसाइट से मैंने ये फाइल डाउनलोड की है जिसपे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि लाउंज एक्सेस कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी जगह पर आपको मिलेगा। ठीक है, इससे दोनों कार्ड के ऊपर मुझे साल के क्वार्टर में मतलब क्वार्टर में एक बार मैं लाउंज एक्सेस ले सकता हूँ। बकायदा मेरे क्रेडिट कार्ड के ऊपर कुछ, बकायदा कुछ क्रेडिट कार्ड के ऊपर आप 4 बार ले सकते हो, और कुछ में साल में 3 बार है, कुछ में साल में 4 बार है। तो ये सब आपको डिटेल इस डॉक्यूमेंट में आपको मिल जाएगी। ठीक, वैसे मैं आपको बताऊँ तो जो एयरपोर्ट का लाउंज एक्सेस है वो NCPI, ये एक गवर्नमेंट फर्म है जिसके ऊपर सारी डेबिट कार्ड की डिटेल लिस्टेड रहती है कि कौन से डेबिट कार्ड के ऊपर कौन सा लाउंज एक्सेस आपको दिया जाएगा। ठीक है, उस वेबसाइट का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी जाकर अपने कार्ड के डिटेल के अकॉर्डिंग मैच करके चेक कर सकते हो कि आपके कार्ड के ऊपर वो फैसिलिटी है कि नहीं है। बकायदा सबसे इजी जो सोल्यूशन है, मैं आपको सिंपल सी बता दूं, जब आप बैंक से अपना कार्ड लेते हो, आप जाकर बैंक से खुद पूछ सकते हो कि इसके ऊपर मुझे लाउंज एक्सेस एयरपोर्ट का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये आप एयरपोर्ट से भी क्लैरिफाई कर सकते हो, बकायदा आप उनके बैंक के हेल्पलाइन नंबर से भी कॉल करके अपने एटीएम के ऊपर मिले हुई सर्विसेज की जानकारी ले सकते हो। ये सबसे इजी वे है जो कि मुझे लगा, क्योंकि मैंने भी खुद, मेरे पास HDFC का भी अकाउंट है, मैंने HDFC का मैंने उनके वेबसाइट पे चेक किया, वहां पे ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन मुझे मिली नहीं, बट मैंने डायरेक्ट इनके कस्टमर केयर को कॉल किया और वहां से मुझे क्लैरिफाई उन्होंने कर दिया कि मेरे इस कार्ड पर लाउंज एक्सेस नहीं है। बकायदा डिफरेंट डिफरेंट कार्ड के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट आपको सर्विस दी जाती है, क्योंकि मैं भी जब पहले कार्ड लेता था, एटीएम कार्ड लेता था, तो मुझे कुछ पता नहीं होता था, मेरे को से भी ये मतलब होता था यार पैसे आएंगे निकलाएंगे जमा करेंगे निकलवाएंगे जमा करेंगे, इस ये सोचकर हम कार्ड लेते हैं। बट ऐसा नहीं है, आपको जो एनुअल चार्जेस देने पड़ते हैं उसके ऊपर आपको कुछ बेनिफिट भी दिया जाता है, जिसमें से लाउंज एक्सेस एक ऐसा बेनिफिट है जो कि अपने कार्ड के ऊपर ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, और दूसरा मेथड ये भी है कि आप चाहे तो डायरेक्ट अपने वेब ब्राउजर में सर्च कर सकते हो अपने कार्ड के ऊपर। जैसे कि मेरे पास जो कार्ड है, जैसे कि मेरे पास ये कार्ड है बैंक ऑफ इंडिया रुपे डेबिट कार्ड प्लेटिनम। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि इस कार्ड के ऊपर लाउंज एक्सेस है कि नहीं, या फिर इस कार्ड के ऊपर क्या बैंक मुझे सर्विसेज दे रही है। तो मैं सिंपली लिखूंगा बैंक ऑफ इंडिया प्लेटिनम रुपे डेबिट कार्ड फैसिलिटीज, या फिर लाउंज एक्सेस, या फिर सर्विसेज। ठीक है, ये लिखकर मैं सर्च करूंगा, आपको मैं डेफिनेटली कहता हूं पहले 3 से 4 लिंक में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, आपके कार्ड के ऊपर क्या क्या फैसिलिटी आपको दी जा रही है वो आपको मिल जाएगा। तो ऐसे ही मैंने सभी चीजें को डिटेल में चेक किया था। वगैरह जो मैंने एक्सिस का आपको भेजा, जो एक्सिस का क्रेडिट कार्ड का लाउंज ऐसा वो 2025 तक वैलिड है। अगर आपके पास एक्सिस का क्रेडिट कार्ड है तो आप वो लिस्ट डाउनलोड कर लीजिए, उसमें से चेक कर लीजिए कि आपके पास एक्सिस का क्रेडिट कार्ड कौन सा है, उसके ऊपर आपको कितने लाउंज एक्सेस फ्री दिए जा रहे हैं, वो आप चेक कर लेना, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो
तो बस दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और हमारे से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।